पौष्टिक पकवान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिमला मिर्च की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बता रही हूँ फ्रेंड्स। भरवा कटोरी शिमला मिर्च, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है और खाने में तो टेस्टी होती ही है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्च ली है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लें। तो बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इनमें बीच से कट लगा के इनकी दो कटोरियाँ बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स आप, कि जब भी ये रेसिपी आप बनाएं तो बड़े साइज़ की ही शिमला मिर्च लें। छोटी साइज़ की शिमला मिर्च फिर इतने अच्छे से स्टफ़ हो नहीं पाती है, कटोरियों की शेप नहीं ले पाती है, और बड़े साइज़ की शिमला मिर्च देखने में सुंदर लगती है। तो यहाँ पर मैं इनके बीज निकाल लेती हूँ। और पहले भी फ्रेंड्स मैंने इनको अच्छे से वॉश किया है, लेकिन अंदर बीज रह जाते हैं। तो सारी शिमला मिर्च को कट करके हम इनको फिर से वॉश करेंगे, ताकि अंदर के जितने भी बीज हैं वो सारे निकल जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कट करके बताया, बीज निकाल लिए। सारी शिमला मिर्च को कट करके मैं धो लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी शिमला मिर्च को मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया, अंदर के सारे बीज निकल चुके हैं, आप देख रहे हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आलू उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पर मैंने आलू चढ़ा दिए। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। दो विसल आने पर मैं गैस ऑफ कर दूंगी। दो विसल आ चुकी थी फ्रेंड्स, और कुकर का प्रेशर ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको खोल के बता रही हूँ ढक्कन। सारे आलूओं को मैं बाहर निकाल लूँगी फ्रेंड्स। आलू की भरी हुई शिमला मिर्च तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती ही हैं, टेस्टी, सभी की बहुत फेवरेट रहती हैं। और इस तरह से आप इसको एक अलग ही शेप दे के बनाएंगे कटोरी वाली, तो और टेस्टी लगेंगी। झरे की हेल्प से सारे आलू मैंने बाहर निकाल लिए, इनको हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। सारे मैं आपको मसाले बता रही हूँ। आलू यहाँ पर है फ्रेंड्स, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज कटा हुआ, टमाटर। मसाले मैं आपको बाद में बताऊँगी। आलूओं को फ्रेंड्स ठंडा होने पर मैं मैश कर लेती हूँ। आप इनको अपने हाथों की हेल्प से मसल भी सकते हैं। ये देखिए, सारे आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब पैन के अंदर मैं ऑयल चढ़ा देती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें मैंने राई ऐड कर दी है, जीरा, और अब मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी। काफ़ी कम तेल में फ्रेंड्स ये मैं आपको रेसिपी बना के बताऊँगी। प्याज भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। वैसे जब आप कटोरी वाली शिमला मिर्च बनाते हैं फ्रेंड्स, तो पहले आपको शिमला मिर्च को तेल में फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि इजीली बहुत अच्छे से बना नहीं पाते। लेकिन मैं जिस रेसिपी से आपको बनाकर बताऊंगी, आप देखेंगे कि बहुत कम तेल में मैं आपको बना के बताऊंगी। हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम शिमला मिर्च को कटोरी की शेप में काट के और मसाला स्टफ करते हैं, तो उसको पकाना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है सबके लिए। तो पहले उसको फ्राई कर लेते हैं शिमला मिर्च को, फिर बनाते हैं, जो कि बहुत टू मच ऑयली हो जाती है फिर। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कम तेल में आपको मैं रेसिपी बना के बताऊँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये सब्ज़ी आपको थोड़े हैवी मसालों में बनाकर बता रही हूँ, लेकिन अगर आप लाइट मसाले पसंद करते हैं शिमला मिर्च और आलू के अंदर, तो फिर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें मत डालिए, प्याज भी मत डालिए, और आप इसमें टमाटर भी मत डालिए, और पिसा हुआ गर्म मसाला। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े हैवी मसाले में बना रही हूँ। कई लोगों को काफ़ी हैवी मसाले पसंद रहते हैं, कईयों को लाइट, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़े से हैवी मसाले में बनाया। पीसी लाल मिर्च और पिसा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट सीख जाने के बाद। अभी जो ड्राई मसाले हैं, इसके बाद यहाँ पर मैं पिसा हुआ गर्म मसाला भी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। जब पहले मैंने शिमला मिर्च अपने चैनल पर शेयर की थी, तो मैंने बहुत कम लाइट मसालों में बनाई थी। जितनी भी शिमला मिर्च मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, उन सबके लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफ़ी पसंद की है वो भी आप लोगों ने। मसालों को मैंने इसमें अच्छे से भून लिया है। अब कट किए हुए टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप शिमला मिर्च में फ्रेंड्स टमाटर पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नींबू तो डालूंगी ही सही, आप टमाटर की जगह फिर आप इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, साथ में नींबू भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। इस तरह की कटोरी वाली शेप देकर जब आप भरवा शिमला मिर्च बनाएंगे फ्रेंड्स, तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आपके गेस्ट आए हुए तो आप उनको बनाकर खिलाइए, काफ़ी पसंद आएगी सबको। टमाटर को मैं ढक के पका लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, टमाटर को हमने अच्छे से ढक के पकाएं। टमाटर का पकना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स।
और अगर आपने टमाटर नहीं डाले हैं तो फिर कोई बात नहीं। अब मैं इसमें मैश किए हुए आलू भी ऐड कर देती हूँ। आप ये वाली फ्रेंड शिमला मिर्च बनाकर अगर बाहर भी ले जाते हैं, छोटी मोटी जर्नी पे जा रहे हैं अगर आप या पिकनिक पर जा रहे हैं, तो इस तरह की कटोरी वाली शिमला मिर्च आप बनाकर लेके जाइए, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी है और देखने में बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड्स। ये सारे मसाले और आलू को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए सारे मसाले और आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं एक नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ और हरा धनिया कटा हुआ। और अगर आपने फ्रेंड्स इसमें अमचूर टमाटर ऐड नहीं करे हैं तो फिर आप या तो सिर्फ नींबू ऐड करिए, या आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स, नींबू भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और थोड़ा ठंडा होने पर फिर हम शिमला मिर्च के अंदर इसको स्टफ़ करेंगे। ये देखिए बाहर मैंने मसाला निकाल लिया है फ्रेंड्स सारा। तो चलिए फ्रेंड्स हम हमारी भरवा शिमला मिर्च रेडी करते हैं कटोरी वाली। ये देखिए मसाला ठंडा होने पर ये मैं कटोरियों के अंदर सारा मसाला इसमें स्टफ करूंगी। आप चाहें तो हाथ की हेल्प से भी इसमें भर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं स्पून की हेल्प से भर रही हूँ, स्पून से भी काफ़ी इजीली भर जाता है। आपको बहुत अच्छे से इसमें मसाला भरना है। और आप ये मत डरिए कि जब आप ये इसको बनाएंगे तो ये मसाला बाहर निकल जाएगा, आप थोड़ी सी सावधानी रखते हुए अगर बनाएंगे ये मिर्च तो काफ़ी इजीली बन जाएगी फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहें तो आप इन शिमला मिर्च को पहले फ्राई करके तेल में फिर आप ये मसाला भर सकते हैं, लेकिन उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ मैं आपको काफ़ी कम तेल में ये वाली रेसिपी बना के बता रही हूँ, जो कि कम तेल हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है और कम तेल में मैं आपको पूरी प्रोसेस बना के बताऊँगी। तो आप इनको शिमला मिर्च को फ्राई मत करिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप बनाइए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर आपने देखा सारी शिमला मिर्च मैंने काफ़ी सारे मसाले से अच्छे से भर दिए। कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, ये पकने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सारी शिमला मिर्च मैंने अच्छे से स्टफ कर लिए फ्रेंड्स, पैन में मैं ऑयल चढ़ा देती हूँ। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी कम तेल लिया है। अब एक एक शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, कटोरी वाली शिमला मिर्च। जितनी भी आपके पास शिमला मिर्च है तो स्पेस आप उस जगह से बना लीजिए आप पैन के अंदर, और सारी शिमला मिर्च इसमें धीरे धीरे करके एक एक रख दीजिए। बस ये ध्यान रखिए आप कि मसाला वाली साइड आपको नीचे नहीं करनी है। काफ़ी सारी शिमला मिर्च की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है फ्रेंड्स, उनकी सबकी लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी तो वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ढक देती हूँ फ्रेंड्स, और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखी है फ्रेंड्स, फ्लेम का आप ध्यान रखिए, फ्लेम आपको बिल्कुल हाई या मीडियम नहीं करनी, लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से पकेगी शिमला मिर्च। और इनको हम टर्न कर करके पकाएंगे क्योंकि हमने इनको फ्राई किया नहीं है, तो शिमला मिर्च जिस साइड से भी कच्ची होगी उस साइड से मैं इनको टर्न करके पकाऊंगी, आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे टर्न करना है। थोड़ा सा मैं इसको फिर से ढक के पकाती हूँ फ्रेंड्स। 10-15 मिनट में हमारी मिर्च बिल्कुल रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती है शिमला मिर्च। ये देखिए नीचे से एक पक चुकी है, अब मैं इनको टर्न करूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए नीचे से पक चुकी है, अब जिस साइड से भी शिमला मिर्च कच्ची होगी तो मैं उसको बिल्कुल धीरे से इस तरह से खड़ा कर दूंगी। ये देखिए मसाला भी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, और आप क्योंकि ये कटोरी की शेप देके कट कर रखी है शिमला मिर्च इजीली खड़ी हो जाती है, तो आपको इनको पहले फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसमें मसाला स्टफ करके और इस तरह से पकाएंगे तो सब तरफ से ये सिक भी जाएगी अच्छे से, कच्ची बिल्कुल नहीं रहेगी फ्रेंड्स और कम तेल में बनेगी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको सामने करके बता रही हूँ फ्रेंड्स किस तरह से आपको शिमला मिर्च टर्न कर करके पकानी है, जिस साइड से भी कच्ची है तो आप उस साइड को नीचे की साइड खड़ा कर दें इस तरह से। आप 2 स्पून ले लें हाथ में और फिर आप इनको टर्न करें।
सारी शिमला मिर्च मैंने टर्न कर दी फ्रेंड्स। अब मैं इनको कवर अप कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इनको फिर से टर्न करूँगी, जिस साइड से कच्ची हैं तो उस साइड से मैं फिर इनको टर्न कर देती हूँ। बिल्कुल कठिन नहीं है फ्रेंड्स ये शिमला मिर्च बनाना कटोरी वाली। जब हम भरवा शिमला मिर्च बनाते हैं तो उसमें हम पूरी सिर्फ ऊपर का सिरा निकालते हैं, तो वो बनाना थोड़ा इजी रहता है। और इस टाइप की आप कटोरी वाली शेप देके बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो कटोरी वाली शिमला मिर्च है ईजिली बन जाएंगी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं फ्रेंड्स। और जिस साइड से कच्ची हैं उस साइड से आप इस तरह से उनको खड़ा करके पकाएं। पराठे और चपाती पूड़ी सभी के साथ ये शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, और आप इनको ज़रूर बना के खाइए। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो बनाइए, बच्चों को आप टिफ़िन में बना के दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं शिमला मिर्च आलू वाली। या आप छोटी मोटी जर्नी पिकनिक पे जा रहे हैं वहाँ आप साथ में लेके जाइए तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये। ये देखिए सारी शिमला मिर्च मैंने फिर से टर्न करके इनको कवर अप कर दिया। किसी भी साइड से कच्ची नहीं है फ्रेंड्स हमारी शिमला मिर्च, और बहुत कम तेल में मैंने ये बनाई है। कितनी भी टफ रेसिपी हो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा उसको पेशेंसली बनाएंगे, थोड़ा सा समझदारी से बनाएंगे तो सारी रेसिपियाँ तैयार हो जाती हैं। ये देखिए मैंने सारी साइड से शिमला मिर्च को काफ़ी अच्छे से बिल्कुल सेक लिया है चारों तरफ से, कहीं से भी कच्ची नहीं है शिमला मिर्च। और फिर से मैंने इनको नीचे की साइड से जैसे पहले रखा था उसी तरह से मैंने फिर से इनको रख दिया है। आपको सब तरफ से मैंने पका के बताया फ्रेंड्स, और मसाला अगर ज़रा सा भी बाहर आता है तो आप स्पून की हेल्प से उसको फिर से अंदर कर दें। वैसे इसका मसाला बाहर आता नहीं है फ्रेंड्स ज़्यादा, फिर से मैं थोड़ा सा इसको ढक देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी कटोरी वाली शिमला मिर्च रेडी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में और बहुत अच्छी सीखी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया चारों तरफ से सीख चुकी है, देखिए कहीं से भी कच्ची नहीं है। तो इस तरह से आप ये इस तरीके से बिल्कुल इजी रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी टफ वाली शिमला मिर्च भी रेडी हो जाएगी। शिमला मिर्च हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, गैस मैंने ऑफ कर दी है। अब ऊपर से मैं हरा धनिया स्प्रिंकल करूंगी। आप इसको फ्रेंड्स बनाइए, पराठे और चपाती इसके साथ खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।